वही सेम गुडविल का ही है, बट इसमें एक नई चीज आती है, दैट इज अब आपको यहाँ पे एक पुरानी गुडविल भी मिलेगी, गुडविल अपियरिंग इन बैलेंस शीट, ओल्ड गुडविल। तो सबसे पहला काम होता है जब भी कोई पुरानी गुडविल मिले उस गुडविल को राइट ऑफ कर दो ओल्ड रेशियो में। देखो अभी तक आपको गुडविल ऑफ द फर्म मिल रही थी, अब आपको मिलेगी ओल्ड गुडविल, एंड ओल्ड गुडविल का मतलब समझते हो? अभी तक जब भी पढ़ाया एक ही चीज बोली है, पुराना आइटम पुराना रेशियो। तो ओल्ड गुडविल हमेशा किस रेशियो में बैठेगी? ओल्ड रेशियो में बैठेगी। और बाकी जो हम काम करते आ रहे हैं वो सेम ही है। सो क्वेश्चन नंबर 42 के हिसाब से एक्स ऑफ वाई पार्टनर्स है 3:2 के लिए, एक्स एंड वाई पार्टनर्स फॉर 3:2, गुडविल अपियरिंग बैलेंस शीट। ठीक है, गुडविल इन बैलेंस शीट जो दे रखी है वो आपके पास दे रखी है 60,000 रुपीज की। जेड को हमने एडमिट करा एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, मींस ये न्यू गुडविल, अब गुडविल ऑफ द फर्म, ये मोस्टली वो गुडविल है जो एडजस्टमेंट में मिलती है, इज 2 लाख। अब इसके अंदर दो केसेस हैं। पहला वाला केस गुडविल ब्रिंग इन कैश, मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल कैश में लेके आ रहा है। दूसरा वाला केस क्या है? गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश। ठीक है, गुडविल डज नॉट ब्रिंग इन कैश, तो गुडविल कैश में नहीं आ रही है। सो ये दो केसेस हैं। तो देखो सबसे पहला क्या काम करना है आपको, दोनों केस में एक कॉमन एंट्री पास करनी है, तो मैं स्टार बनाता हूँ कॉमन एंट्री पास करने के लिए। पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना है ये वाली जो है 60,020 की। सो गुडविल जब भी आप राइट ऑफ करोगे, तो जैसे हमारे पास हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था ना जो P&L सस्पेंस गुडविल, तीन आइटम्स बताए थे आपको, जो हमेशा लाइबिलिटी साइड खत्म करने के जब असेट साइड में जाते तीन आइटम चेक करते हैं, कौन कौन से थे वो? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था, प्रॉफिट एंड लॉस था, एंड गुडविल था। तो यहाँ पे गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे, तो उसकी जनरेटरी क्या थी आपके पास? दैट इज ए, दैट इज एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड गुडविल है ना, तो हम उसको राइट ऑफ कर देंगे टू गुडविल अकाउंट। गुडविल की वैल्यू दे रखे 60,000 रुपीज की। अब इस 60,000 रुपीज की गुडविल की वैल्यू को एक्स एंड वाई में आप ट्रांसफर कर दोगे। सो एक्स की कितनी आपके पास? 3:2 में बांट दोगे। फोर्टी एट ट्वेल्व 3:2 है ना, दैट इज 24 एंड 36, ये आपकी ओल्ड गुडविल राइट ऑफ हो गई। ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो 3:2। अब इसके आप केस वन आता है। अब केस वन के लिए गुडविल कैश में लेके आ रहा है, तो पहले तो ये एक फर्म की गुडविल दे रखी है क्वेश्चन में, हम उसके शेयर की गुडविल निकालते हैं। तो जेड गुडविल इक्वल्स टू 1/4 ऑफ 2 लाख, डेट इज 50,000। सो 50,020 से एंट्री पास होगी। तो पहली एंट्री क्या होगी आपके पास? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितने रुपए से? 50,000 से। राइट, दूसरी एंट्री क्या होगी पहले वाले केस की? अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा था तो जो ओल्ड वाला होता है वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। सो 50,000 रुपये को हम 3:2 में बांट देंगे, 30,000 20,000। सो ये केस वन था आपका। नेक्स्ट आता है केस टू। केस टू में अब पहली एंट्री तो होगी नहीं, क्योंकि केस टू कह रहा है कि गुडविल कैश में आई नहीं है, एंड जब गुडविल कैश में नहीं आती तो प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री भी पास नहीं होती है। सीधा हम क्या करेंगे? उसके करंट अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। तो
तो आपके पास Z's करंट अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट अमाउंट जो आपने गुडविल का आया था कितना था 50,000 रुपया आया था वो हमने उसके अकाउंट से निकाल लिया एंड अगेन सेम प्रोसेस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया 30,000 20,000 क्लियर विद दिस सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें आपको पुरानी गुडविल भी दे रखी है तो पहला काम वही करना है गुडविल को राइट ऑफ कर दो एंड पुराना आइटम पुराना रेशियो बाकी जो फर्दर गुडविल दे रखी है जो हम जैसे ट्रीट करते आ रहे थे उसका ट्रीटमेंट वैसे ही करेंगे तो आपके पास ये वाली जो एंट्री थी ये आपकी कॉमन एंट्री हो गई विद अ स्टार ये केस वन हो गया जिसकी दो एंट्री हुई पहले कैश लाने की फिर बांटने की ये केस टू हो गया जिसमें कैश लाने की तो एंट्री है ही नहीं क्योंकि गुडविल कैश में आनी थी और कैपिटल इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर कोई डाउट लगते हैं कुछ पूछना है तो कमेंट कर दो इसमें अभी क्वेश्चन जो हम करेंगे दैट इज क्वेश्चन 43 ऑफ न्यू बुक दैट इज एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स फॉर 1/2 1/3 एंड 1/6 सो एक्स इज टू वाई इज टू जेड वी हैव थ्री पार्टनर्स फॉर 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/6 फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस प्रपोर्शन इन टू अ रेशियो सो एलसीएम विल बी 6 टू 3s are 3 2s are and 1s are सो ओल्ड रेशियो इज 3:2:1 राइट सो दिस इज योर फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू सबसे पहले अपने प्रपोर्शंस को रेशियो में कन्वर्ट करो क्योंकि ओल्ड रेशियो चाहिए ओल्ड गुडविल को बांटने के लिए तो ओल्ड रेशियो पता होना चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए भी ओल्ड रेशियो चाहिए होता है तो ओल्ड रेशियो सबसे पहले हम देखेंगे फिर वो आपसे क्या कह रहे हैं दैट इज ए इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ए 1/6 शेयर के लिए आ रहा है विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई तो ये एक्स एंड वाई से इक्वल फॉर्म में ले रहा है 1:1 के फॉर्म में ले रहा है एंड ब्रिंग्स 50,000 एज इज कैपिटल 50,000 रुपीज की कैपिटल लेके आ रहा है 20,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल सो 20,000 रुपीज किसको गुडविल लानी है अब इसमें से इंफॉर्मेशन दे रखिए दैट इज आउट ऑफ दिस 20,000 15,000 वॉज ही ब्रिंग इन कैश सो न्यू रेशियो निकालना है जलेंटी पास करनी है सो अभी तक क्या हुआ उसको समझ लो एक बार दोबारा से 1:2 1/3 1/6 ये आपको प्रपोर्शन दे रखा था हमने इससे ओल्ड रेशियो निकाल लिया 3:2:1 एलसीएम लेके फिर उन्होंने बोला ए जो है 1/6 के लिए आ रहा है जो ये इक्वल फॉर्म में ले रहा है एक्स और वाई से इक्वल मतलब क्या हो गया 1:1 जिसके लिए ये 50,000 रुपीज कैपिटल लेके आ रहा है और 20,000 रुपए की उसको गुडविल लेके आनी है 20,000 रुपीज की उसको गुडविल लेके आनी है जिसमें से 15,000 रुपए कैश लेके आया टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं जैसे बताया था भाई हमें तो गुडविल 20,000 रुपए की चाहिए 15,000 कैश में ला रहे हो बहुत अच्छी बात है बचे 5,000 रुपए का क्या करोगे हम उसके अकाउंट से निकालेंगे और कौन से अकाउंट से निकालेंगे करंट अकाउंट से निकालेंगे सो सबसे पहले हम न्यू रेशियो निकाल लेते हैं सो मैंने आपको बताया था न्यू रेशियो में जब भी आपको इस फॉर्म में मिलेगा तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग शेयर सो एक्स का सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है 1/2 of 1/6 दैट इज 1/12 वाई का सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है 1/2 of 1/6 दैट इज 1/12 तो ये सैक्रिफाइसिंग शेयर मिल गए आपको एक्स और वाई के जेड ने कोई सैक्रिफाइस नहीं करा तो हम पहले निकालेंगे न्यू रेशियो सो सबसे पहला हो गया एक्स का एक्स न्यू शेयर इज इक्वल टू भाई एक्स के पास जाओ एक्स से पूछो भाई कितना शेयर था तेरे पास वो कहेगा मेरे पास था 3/6 का बोला कितना दे दिया तूने वो कहेगा मैंने 1/12 दे दिया फिर हम गए वाई के पास वाई से पूछा भाई वाई तेरे पास कितना है बोला 2/6 बोला तूने कितना दे दिया बोला 1/12 हम जेड के पास गए जेड से पूछा भाई तेरा कितना था वो कहेगा 1/6 बोले तूने कितना दिया बोला मैंने कुछ भी नहीं दिया ए से पूछा ए तेरे को कितने मिल रहे हैं तू कितने के लिए आ रहा है वो कहेगा 1/6 के लिए आ रहा हूँ
सॉल्व कर लो इसको, ये हो गया 12, 6 माइनस 12, 6 माइनस 1, डेट इज 5 बाई 12, 4 माइनस 1, 3 बाई 12, 12 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, डेट इज 2 बाई 12, सो रेशियो क्या हो गया, 5 इज टू, 3 इज टू, 2 इज टू, 2, दिस इज योर न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग ये दे ही रखा था क्वेश्चन में, नहीं तो आप निकाल के दिखाओगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इसके बाद आपको गुडविल की एंट्री पास करनी है, कैपिटल लाने की और गुडविल लाने की। तो सबसे पहले 50,000 रुपए की कैपिटल लेके आया एंड 15,000 रुपए का गुडविल लेके आ रहा है। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी आपके पास, अब डेट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक कितना अमाउंट आ गया, 50,000 एंड 15,000, डेट इज 65,000। ए की कैपिटल कितनी हो गई 50,000 से, एंड गुडविल कितने की हो गई प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 रुपए से। ये ध्यान रखना बेटा, 20,000 रुपए की गुडविल है टोटल, लेकिन कैश में 15 आ रही है। एंड मैं आपको बताया था प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा उतने से आता है जितना वो कैश में ला रहा होता है। अब हम क्या करेंगे, हम इस गुडविल को बांट देंगे। किस में बांटेंगे, हम बांटेंगे एक्स वाई जेड में, ओल्ड रेशियो में नहीं। गुडविल हमेशा किस रेशियो में बढ़ती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो आपको 1:1 का दे रखा है। सो हम गुडविल को देने वाले हैं किसको, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट एस करेंट अकाउंट डेबिट। भाई 15,000 रुपए तो कैश में आ गया, 5,000 रुपए छोड़ेंगे थोड़ी, पैसे हम पूरे लेंगे। 15 और 5 20 हो गए पूरे, किसको बांट देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट। 10,000 हम एक्स को देंगे, 10,000 हम वाई को देंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 43। आई होप समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीकी कॉमर्स, अपना प्यार अपना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस आप लोग देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते रहिए एंड लाइक बटन पे जरूर क्लिक करिए अगर आप लोग को लगता है कि मेरी वीडियोस आप लोग के लिए हेल्पफुल हैं, स्पेशली जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं उस टाइम पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीकी कॉमर्स, ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा।